आपसे पूछ लीजिए कि ये हालत बना दिया है। हम ये नहीं कह रहे, आप बोलेंगे कि पहले की सरकार में भी ऐसा हुआ था, आगे की सरकार में भी ऐसा हुआ था। पहले की सरकार में तो जब होते थे तो बीजेपी एक अच्छे रोल निभाते थे। बीजेपी जब विपक्ष में होता है ना, विपक्ष में बीजेपी बहुत बढ़िया रोल निभाते हैं, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी बहुत मजबूत है। आज ये देश का जो हालत है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष को जिस हिसाब से मजबूती के साथ बोलना चाहिए, मजबूती के साथ उतरना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्ष कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। आने वाले समय में दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब क्राइम रेट जो बढ़ रहा है वो मोदी जी के द्वारा बढ़ा है, सरकार पुलिस प्रशासन मोदी जी के अंडर में और इसलिए दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था दिल्ली का, दिल्ली में जो है ये किसके अंदर में है, जो क्राइम व्यवस्था है या दिल्ली पुलिस किसके अंदर में है, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की है। तो ये सही बात है कि हमें